राहे प्रखंड क्षेत्र के कॉपीडी गांव में बीती रात को हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। संजय कोयरी के 50 डिसमिल खेत में लगे गन्ने की फसल को हाथियों ने खाया। संजय कोयरी ने बताया कि मैं गन्ने का जूस बेचता हूं। अगर मैं जितना गन्ना हाथियों ने खाया उस गन्ने का जूस बनाकर बेचता तो 1 लाख रुपए होता। मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। मैं लोन में पैसा निकाला था और गन्ने की खेती किया करता था, जिसको हाथियों ने बीती रात को खाया, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि लोन का पैसा कैसे चुकाऊंगा। वन विभाग को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक नहीं पहुंचा है। क्षेत्र की जनता हाथियों के भय से काफी परेशान है। किसानों ने वन विभाग के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। सूचना देने के बाद भी वन विभाग के लोग नहीं आते हैं, रेंजर बात नहीं सुनते हैं। रेंजर के प्रति किसानों में भारी आक्रोश है। वहीं संजय कोयरी के पति का कहना था कि हमें मुआवजा मिले चाहे नहीं, लेकिन वन विभाग की टीम ने हमारे क्षेत्र से हाथियों को भगाने का कोशिश करे। हाथी को इस क्षेत्र से भगाने के लिए गांव की जनता की सहायता करेंगे वन विभाग की टीम को। हम बोले भी थे कि विभाग का औकात नहीं है कि हमको 3 लाख का नुकसान हम दिखाएंगे तो हमको 50,000 रुपया देगा। वो दे दिया हमको 20,800 रुपया, जबकि मेरा पूंजी खर्च नहीं निकला, टेटो का खर्च नहीं निकला। हम वन विभाग का टीम से ये कहना चाहेंगे कि किसान भाई जो है इसका भी दर्द को समझिए, जो इतना मेहनत से जो खेती करते हैं और हाथिया की इनका खा जाता है, तो इनका दर्द को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, इसको मुआवजा देने का कोशिश कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? संजय कोरी सर। संजय कोरी, चलिए। जितना आप जमीन में आपका कतहरी का खेती की है? खेती पूरा 1 एकड़ में है और अभी जो नुकसान हुआ है ये होगा 50 डिसमिल। 50 डिसमिल। अच्छा, आपके खेत में हाथी कितने बजे है रात में आए? रात में करीब 3 बजे घटना है और ये आज 29 तारीख रात का घटना है और 28 तारीख रात को भी वही 2:30-3 बजे के बीच का बात है। 2 बजे तक तो हम खुद यहाँ निगरानी करने आए थे, लेकिन उस समय नहीं जानकारी मिला और सामने में त्यौहार के लिए बाजा उजा बज रहा था, उससे भी जानकारी सही आवाज़ नहीं मिलने के कारण डर भी लग रहा था, अकेले संभव नहीं हो पा रहा था। अगर इस कतारी को आप अगर बेचते तो आपको कितना होता पैसा? देखिए, हम तो कोई खुला डंग नहीं बेचते हैं, बोझा नहीं बेचते हैं। हम जूस मशीन लेकर अपने खुद से जूस बना के बेचते हैं। अभी वर्तमान में हम तमाड़ में रहते हैं, दिवड़ी मंडी में दुकान लगाते हैं। हम एक कतारी में ये तो आधा है, ये कम से कम 10-12 फीट का लंबाई होता है। इसको अगर हम जूस निकालेंगे तो एक को कतारी में 100 रुपया, 120 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया, इसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट होता है। ये भी 50 डिसमिल में जो आपका हाथी ने खाया है कतारी को, उसे आपको लगभग कितना है पैसा है? अभी जितना दिख रहा है नुकसान में, ये नुकसान में लगभग एक अंदाजा में 1 लाख से ऊपर का नुकसान है। 1 लाख से ऊपर का नुकसान? 1 लाख। अच्छा, वन विभाग का टीम आपसे संपर्क किया है क्या? नहीं। तो वन विभाग हमको सुनने में आया कि कोई आदमी बुलाया था, लेकिन जंगल होके ये गांव का सुपर रास्ता है, एनएच का रास्ता है, लेकिन गांव तरफ से आया नहीं। हमको सुनने में पापा बताएं कि नहीं, पीछे गांव से जंगल तरफ से आके कोई पर्सनल आदमी बुलाया था और वो अपना देख कर चले गए। बाकी और भी आदमी गांव का नुकसान हुआ है, किसी का धान खराब हुआ है, सब्जी खराब हुआ है, लेकिन यहाँ तक तो पहुँचा नहीं। जबकि जानकारी सबको है, विभाग को भी जानकारी है, लेकिन आया नहीं वो। तो वन विभाग से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अधिकारी को? अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे, जब आज से 2 साल पहले 2020 में भी जो घटना घटा था, उस समय मेरा नुकसान था 3 लाख से ऊपर का। उस समय गन्ना, आलू, कतारी और फूलगोभी, पत्ता गोभी सब खेती मिला के 3 लाख का नुकसान था। उसमें से हमको भरपाई मिला था 20,800 रुपया। हम विभाग को बोले भी थे कि विभाग का उतना, हम तो डायरेक्ट खुल के ही बोल रहे हैं, उस समय भी बोले थे खुल के, राज भी खुल के बोल रहे हैं। उस समय बोले भी थे कि विभाग का औकात नहीं है कि हमको 3 लाख का नुकसान हम दिखाएंगे तो हमको 50,000 रुपया देगा। वो दे दिया हमको 20,800 रुपया।